सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड ध्यान ॐ बलविद्युतिमिन्दुकरीतां नयनत्रययुक्तां समेरमुखीं वरदां पुष्पाशा नीतिकरां प्रवदे तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्रासुरावर्णिपुरोगमस्तम् कात्यायनीं तुष्टभुवनेष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताश देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितयात्रैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्य त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मोक्तिहेतो विद्याः समस्तास्तव देवि वेदा श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्रयेतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोति सर्वभूता जला देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुतास्तु देका वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनसहृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनि विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते
हंसयुक्ताभिमानस्ते ब्रह्मणि रूपधारिणि कौशम्बाखरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रायितरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्र गदाचारं गृहीत परमाजुदे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्र महाचक्र दष्टो धृतवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यान्कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते करीटनि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणी नमस्तुते शिवदूति स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दृष्टाकरालभदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेरे सरस्वती वरे भूति वाप्रविदामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्ववीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरा श्रृगवसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुवाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगान् शेषानपहंसि दुष्टा रुष्टादुकामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्करणं त्वयाद्य धर्मान् द्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैरबहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिकेतत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगरतेति महान्धकारे बिभ्रामयचेतरदीव विश्वं रक्षासि यत्रोग्रविशासनाग यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्रास्ति तात्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका तारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यदा सुरपदा तदुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च मोहोपसर्गान् प्रणदानां प्रसीद त्वं देवी विश्वादिहारिणि
त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां भरता भव देव्यो वाच भरतां सुरगणा परं जनमनसे चल तं मृगत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचु सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्वतन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भ चैव न उत्पस्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भव ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यानिष्यामि व्यप्रचित्तान् सुदानवान् वक्षयन्त्या च दानुग्रान् व्यप्रचित्तान् महासुरान् रक्तारन्ता भविष्यन्ति दारिणि कुसुमोपमः तत मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्वभन्ता व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका भूय च शतवार्षिक्या मना भृष्टा मनं वसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्प्रविश्यामि योनिः तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां तदा ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवैः वरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं धर्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं गृहीत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोचन्ध्यानं रमूर्तया भीमादेवीति विख्यातं धर्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यस्त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ययजत्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा शोष्यन्ति सर्वदा एतं यदा यदा बाधा दानभोता भविष्यति तदा तदा वदीर्याहं करिष्याम्यरिसञ्चय सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों का मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय मां जगजननी वैष्णो देवी जी की सायंकालीन आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मां भगवती की अपार कृपा से आज मां के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति करने का पाठ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां भगवती के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और आरती के समय मां भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
इसलिए आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। जे इस प्रकार के अवसर हमें जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते, पूर्व जन्मों में किए हुए हमारे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही इस प्रकार के अवसर हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। जब हम संसारिक बंधनों से हटकर अपने कल्याण के लिए कुछ सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप भी इस प्रकार के अवसर हमारे जीवन में अपने कल्याण के लिए आते हैं। तो आज जो आरती के समय माँ के चरणों में बैठकर हम स्तुति कर रहे हैं, स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, उनके द्वारा माँ भगवती का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और उन स्तोत्रों के द्वारा हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है। जितनी भी आदि व्याधियां हैं वह सब माँ भगवती की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। ध्यानम् ॐ विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विकरवालकेट विलसत् हस्ता विरासेविता हस्ते चक्रगदासिकेट विशिका चापं गुणं तर्जने बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्राम्बले ॐ दिव्योवाच एविष्टवैश्वमामित्यं शोष्यते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मरुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्बलं शुम्भन शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्योत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोऽर्था न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानरतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनहितात् उत्सर्गान् शेषान्तु महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रेतत्पठते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वममेतच्चरितम् उच्चार्यं चाभिमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतम् हृदि चिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते जा च वार्षिकी तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्विता सर्वाबाधा विनिर्मुक्ता धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋरुवासञ्जयं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुन्त्वा माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम
उपसर्गाशमं जान्ति ग्रहपीडाशदारुणा दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातवेदेशनेन मैत्रीकरणमुत्तम दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानीकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां बलनादेवनाशनम् सर्वमनेतन्मात्रं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाद्यदूपैः च गन्धदीपैः सदोत्तमैः विप्राणां भोजनेरहोमि प्रोक्षणीयरहर्निशम् अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृते सुचरितेषुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिर्वहणम् यस्मिन् श्रुते वैरिकृतं वयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयोजा च याच ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्राह्मणा च कृतास्तु प्रयच्छन्देषु वामदिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वापिता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्यतो वध्यो बन्धागतोऽपि वा आगोणितो वापातेन स्थिता पोते महाण्डवे परसूजापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्जितोऽपि वा समरणमेधचरितं नरमुच्चेत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्य तस्य वो वैरिणः सदा दूरादेव पलायन्ते समरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरीयत देवि देवानिरातङ्गः स्वाधिकारा चदा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनीयतार्य दैत्याचरेभ्यानीते शुम्भे देवानियुधि जगद्विध्वंसनीतस्मिन् महाग्रेतुविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायुरु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनि भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीवृद्धिप्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्भूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तदा धरादिवित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् न कवचं नारिकला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि दानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती नारायणं मोहनं वंशं सम्बणो जाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हंसं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि
नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातने जाग्रतमहि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्वे ऋंकारी सृष्टिरूपाय ऋंकारी प्रतिपालिका ऋंकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च जयकारी वरदायिनी भित्रेता नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि नाम दीं धूम दुर्जटे पत्नी नाम भीं भूम भागधीश्वरी त्रां ग्रीं ग्रूं कालिका देवी शां शीं शुमेश्वरं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जं 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 वराधिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः अंकं चं तं तं पं जं शं विं दुं ऐं विं हं छं दियाग्रं दियाग्रं रोटय रोटय दीतं कुरु कुरु स्वाहा पां प्रीं भूं पार्वती पूर्णा खां ग्रीं ग्रों केसरी तरा सां श्रीं सों सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपीं रक्ष पार्वती जस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेन्नाथस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा ॐ श्री दुर्गा आपद्युधाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य व्यातस्य वीतस्य बद्धस्य यन्तो स्वमेकागतिर्देविनिस्तारकर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्करे राजगे प्रभाते स्वमेकागतिर्देविनिस्तारयतु नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे अपारे महारुस्तरे चन्द्रगोरे दिपत्सागरे वजतां देहवाजां स्वमेकागतिर्देविनिस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे नमश्चण्डगण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषशत्रो स्वमेकागतिर्विघ्नसन्दोऽस्ति नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे स्वमेका सदाराधिता सत्यवादी जनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इलाबिङ्गला त्वं सुषुम्नादनाडि नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे विमनादे सद
सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूति सदाकाल रात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्ध विद्याधराणां मुनिगणवराणां व्याधिपीडितानां नृपते गृहगतानां दशवृत्रासितानां समसि शरणमेका देवि दुर्गे श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुपालदे जय चुंबन चुंबक पालधरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय करने प्रसारे जय पावक जय पेरवते न परे जय सरस्वती वंदना रवि रुद्र पितामह विष्णुदम हरि चंदन कुमकुम पंकजम मुनि वृंद गजेंद्र समान जुतम सवनामि सरस्वती पाद जुतम सजि जोत सुधा मदामयुगम शरदाबरबिम्बसमान करम बहुरात्र मनोहर कांतियुतम सवनामि सरस्वती पादयुगम कनकाग्रति गोचित भूरि पदम भवभावम प्रभुचेत समाहित साधु पदम सवनामि सरस्वती पाद युगम भवसागर भंजन दीति नूतन प्रतिपादित सरस्वती कार युगम विमलाधिक ज्योत विज्योत पदम सवनामि सरस्वती पाद युगम मतिहीन जनाशय पादमिदं सकलागम वाचितविदं
क्षमा प्रार्थना अपराध कर्त्री क्रियन्ते हरनिजमया दासोऽयमिति नामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादरासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रातस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं यथेष्यसि तदा कुरु सज्ञानाविस्मिते रात्र्या जन्योरमधिकं वृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रे त्वं गृहाणात्मकृतं जपम् भवतु मे देवि त्वत्प्रसादासुरेश्वरि हे मयि मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा हि जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार हम सबने मिलकर बड़े भक्ति भाव से मां भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इससे आप प्रसन्न हो जाओ और हमें अपना आशीर्वाद दो।
इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा दान दो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन एक स्वर से श्रद्धा पूर्वक मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार अक्षर का 3 बार नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे सांचे दरबार की। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती का पवित्र समय है। इस गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है। चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिसके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं, शक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य। इन तीनों के बिना हमारा जीवन जो है वह शून्य है, क्योंकि बिना शक्ति के हम संसार में कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते और बिना धन के हमारा जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना बुद्धि के संसार में हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। कौन सा कर्म करने से हमारा कल्याण होगा और किस कर्म के करने से हमारी दुर्गति होगी, इसका आभास हमें बुद्धि के द्वारा होता है और मां भगवती सरस्वती हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम संसार में अच्छे कर्म कर सकें, दूसरों की सेवा सहायता कर सकें। अपनी शक्ति जो मां भगवती के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, जे शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा हम दूसरों की सेवा सहायता कर सकें, इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें। जो भी धन प्रसाद रूप में हमें प्राप्त हुआ है मां भगवती की कृपा से, उस धन का भी हम सदुपयोग करें, क्योंकि संसार में धन तो बहुत लोगों के पास है परंतु उसका सदुपयोग 1-2% ही हम कर पाते हैं और बाकी का सारा धन जो है हमारा दुष्कर्मों में खर्च होता है और उससे हमें दुर्गति प्राप्त होती है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं वह हमारे द्वारा किया गया दुष्कर्म, उसके फलस्वरूप हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए संसार में इस प्रकार से हम जिए, इस प्रकार से हम जीवन यापन करें कि हमारा जीवन जो है बड़ा ही सरल हो जाए और सरलता से ही
भगवान की प्राप्ति होती है। छल कपट के द्वारा हम जितना भी छल कपट कर रहे, जितना भी दूसरे को बुद्धू बना ले, उसके द्वारा हमारा कल्याण नहीं है, क्योंकि सबके अंदर उस परम पिता परमात्मा का अंश विद्यमान है। और हम अगर उस अंश के साथ छल कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे हैं, उस रूप के साथ नहीं कर रहे हैं जो हमारा शत्रु है, हम उसके अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा के अंश से हम छल कर रहे हैं। परंतु हम जे भूल जाते हैं कि वो हमसे भी बड़ा छलिया है और वह एक पल में हमारा सब कुछ बदल सकता है, जिस पर हम अभिमान करते हैं। तो इसलिए छल कपट को त्याग कर सरल भाव को अपनाते हुए हम अगर मां भगवती के चरणों में आकर मां को नतमस्तक करेंगे, मां की शरण ग्रहण करेंगे, मां के नाम का स्मरण करेंगे, तो हमारा जो है वह कल्याण होगा। हम संसार में हमें अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम कुछ ना कुछ कर्म करते ही हैं। कुछ कर्म हम स्वार्थवश करते हैं, कुछ परमार्थवश करते हैं। तो स्वार्थवश और परमार्थवश होकर हम जब कर्म करते हैं तो उनकी भी एक सीमा होती है। हम परिवार के लिए हमारा जो उत्तरदायित्व है उनका पालन पोषण करना, यथा योग्य उनकी सेवा करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। और इसके लिए भी हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो अपने उत्तरदायित्व से हम मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए उसकी एक सीमा है। कहा है, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हमें कितना चाहिए इसकी एक हम अगर सीमा बना लें, एक मर्यादा बना लें, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। हम दुखी क्यों होते हैं कि हमारी कोई सीमा नहीं है। आजकल जिस प्रकार अनेक कंपनियां जो हैं, जैसे मोबाइल है, वो हमें अनलिमिटेड डाटा वगैरह देती हैं, तो उसी प्रकार हमने भी अपने जीवन को असीमित बना लिया है कि हम जो मर्जी करें हम कर सकते हैं। भगवान ने भी हमें सब कुछ देकर हाथ पांव कर्म करने के लिए दिए हैं, बुद्धि दी है, विचार करके हम कर्म करें। और इस संसार में हमें भेज दिया है, और स्वयं परमपिता परमात्मा पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गए हैं। अब उसने हमें सब कुछ दिया, जो भी हमें चाहिए संसार में हमारे जन्म से पहले ही उसने उत्पन्न कर दिया। और हमारा जन्म हुआ जब, तो उस समय भगवान को पता है कि इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इसको किसी का आश्रय चाहिए, इसकी सेवा कौन करेगा। उसके लिए उसने सबसे पहले उसे
मां दी और मां की गोदी दी, उसका सहारा दिया और जैसे जैसे उसको जो भी चाहिए वे उसको देते गए। और बालक जो है वह मां के आश्रय में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और जब युवावस्था को वह प्राप्त हुआ तो उस समय उसने देखा और उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हुई संसार की चकाचौंध को देखकर, और वो कहने लगा, उसने मन में विचार किया कि मेरे समान तो ये शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि उसका पालन पोषण हो चुका था, अब वो अपने पैरों पे खड़ा है और वह कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो इस प्रकार अहंकार उसमें आ गया, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का अहंकार हो गया, कोई भी वस्तु धन प्राप्त किया तो धन का अहंकार आ गया। तो इसी प्रकार वह अपना जीवन आगे बढ़ाता रहा और जब बुढ़ापा आया, जब उसके अंग ये शरीर शिथिल होने लगा तो उस समय उसे आभास हुआ कि मैं किस बात का अहंकार कर रहा था। परंतु समय निकल चुका अपनी गति से और अब उस वृद्धावस्था में व्यक्ति ना उठ सकता है अच्छे तरीके से, ना बैठ सकता है, ना भगवान का भजन कर सकता है, केवल पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर सकता और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही हमारी जीवन लीला है। तो इसलिए हम इस संसार में आए हैं। मनुष्य जोनी बड़ी ही दुर्लभ जोनी है। 84 लाख जोनियां भोगने के उपरांत हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, और अगर इस शरीर में भी आकर हमने अपने आप को पहचाना नहीं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए हमने कोई उपाय नहीं किया, तो पुनः उन्हीं जोनियों में, कीट पतंगों की जोनियों में, पशु पक्षियों की जोनियों में फिर से हम भटक जाएंगे और फिर से अनेक प्रकार के कष्ट पाएंगे। इसलिए हम अभी से अगर चेत जाएं, अभी से अगर हम विचार बना लें कि हमें दूसरों की सेवा सहायता करनी है, शरीर जो है ये नश्वर है, अगले पल इसका कोई पता नहीं क्या होने वाला है, तो इसलिए हमारे से जितना हो सके, जहां भी कोई दुखी मिले, अगर उसकी हम सेवा सहायता नहीं कर पाए, नहीं कर सकते परिस्थिति वश, क्योंकि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। हम देखते हैं हमारा बालक दुखी है, उसको कष्ट है, तो हम डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, उसका उपचार करवा सकते हैं, परंतु उसका मन जो दुखी है उस दुख को बांट नहीं सकते, उसका दुख अपने ऊपर नहीं ले सकते, वो कष्ट उसने ही भोगना है। तो इसलिए परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाह कर भी उसको कुछ दे नहीं सकते, उसका कष्ट दूर नहीं कर सकते और केवल देख सकते हैं
या उस प्रभु से उसके कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम तीर्थ यात्रा करते हैं, घर से हम चलते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए मां के दरबार में जाएंगे, अमुक हमारी कामना है उस कामना की पूर्ति के लिए हम मां से प्रार्थना करेंगे, मां हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण करेगी। परंतु होता क्या है, हम घर से चलते हैं तो स्टेशन तक आते आते और गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते हम कईयों से भिड़ जाते हैं, झगड़ा मोल ले लेते हैं, बहस करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। और जब सफर करते हैं, सफर में अगर कोई व्यक्ति हमारी सीट पर बैठ जाता है, हम ये नहीं देखते कि उसकी परेशानी है या कुछ है, हम उसके साथ एकदम लड़ पड़ते हैं, थोड़ी सी जगह भी नहीं दे पाते और जा कहां रहे हैं हम अपने कल्याण के लिए। हम जब दूसरों की सेवा सहायता नहीं कर पाएंगे तो हमारी तीर्थ यात्रा जो है वह व्यर्थ है। और तीर्थ यात्रा में तीन बातें जो हैं वह बहुत ही आवश्यक हैं, आहार, व्यवहार और आचार। हमें खाना कैसे खाना चाहिए, हमारा आहार कैसा हो, शुद्ध सात्विक आहार हो, क्योंकि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हमारा बनेगा मन। और जब मन में कुविचार आएंगे, अगर उच्छिष्ट भोजन करेंगे, तामसिक भोजन करेंगे, तो वह हमारे मन को उत्तेजित करेगा और उत्तेजना से हमारा मन जो है कई प्रकार के बुरे विचारों से प्रभावित होगा। और अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में शुद्ध विचार आएंगे और उन विचारों के द्वारा हम अनेक प्रकार के अच्छे कर्म करेंगे। उसके बाद व्यवहार, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने को कष्ट देकर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न हम अगर करते हुए यात्रा करते हैं तो हमारा कल्याण अवश्य होता है। परंतु ऐसा करना बहुत कठिन है, कहना आसान है, हम भी कह देते हैं, उपदेश सब दे देते हैं, परंतु जब अपने ऊपर बीतती है तो उस समय निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि मैं इसकी सहायता करूं या इसको यहां से निकालूं। तो इसलिए व्यवहार हमारा सबके साथ सरल होना चाहिए। और उसके बाद आचरण, हमारा चरित्र कैसा हो, हमारे साथ माताएं, बहनें, बेटियां तीर्थ यात्रा करती हैं उनके प्रति हमारा चरित्र कैसा हो, नीच दृष्टि करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अगर हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमारी कामना अवश्य ही मां भगवती पूर्ण करेगी। अन्यथा कहा गया है, अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में किया हुआ कोई भी पाप जो है वह तीर्थ स्थान में आकर उसकी निवृत्ति हो जाती है, वह पाप समाप्त हो जाता है। परंतु तीर्थ स्थान में आकर किया हुआ थोड़ा सा भी पाप जो है वह वज्र की तरह कठोर हो जाता है, वह
उसका विनाश नहीं होता। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थ स्थान में आकर किसी भी प्रकार का कोई हमसे पाप ना हो जाए, किसी भी प्रकार की हम यहां आकर गंदगी ना फैलाएं, हम स्वच्छ रखें और दूसरों को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करते हुए तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमारी कामनाएं मां भगवती अवश्य ही पूर्ण करेगी। क्योंकि कहा है, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए न होए। अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए श्वास श्वास में भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो अभी भजन की बेला है, तो सभी भक्त भजन में साथ देंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री सुरेश जी से, वह अपना एक भजन मां के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री सुरेश जी, जय करा मेरी शिरोमणि मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। भगतां दी झोली विच खुशियां भर दी, अपने सच्चे भगतां दी झोली विच खुशियां भर दी, अपने सच्चे भगतां दी झोली विच खुशियां भर दी। मिलके बोलो जय माता दी, गज के बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी करदा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी करदा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी करदा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी करदा जा, जय माता दी करदा जा। नैना देवी मैया जी नैना विच चित दे बसदी है, हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दूर उस तो लगदी है, हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दूर उस तो लगदी है, हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दूर उस तो लगदी है। सारे बोलो जय माता दी, हम मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। आंगण वाली दादी दे संग जो भी भगत प्यार करे, मेहर करे मेरी अम्बे माते उसका बेड़ा पार करे, मेहर करे मेरी अम्बे माते उसका बेड़ा पार करे,
पौड़ी पौड़ी चढ़ जा जय माता दी कर दा जा पौड़ी
अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंदर जी से, वह अपना एक भजन मां के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। मनिंदर जय करा शिरोमणि का बोल सच्चे दरबार की है। मेरे सारे कष्ट निवार, मेरे सारे कष्ट निवार, मेरी मां अम्बे मेरी जगदम्बे, मेरे सारे कष्ट निवार, मेरी मां अम्बे मेरी जगदम्बे, ओ मेरे सारे कष्ट निवार, मेरी मां अम्बे मेरी जगदम्बे, मेरे सारे कष्ट निवार, मेरी मां अम्बे मेरी जगदम्बे, ओ मुझे कर दो भव से पार, दो भव से पार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, हो मुझे कर दो भव से पार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, मुझे कर दो भव से पार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, हो मेरे सारे कष्ट निवार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, मेरे सारे कष्ट निवार मायम्बे मेरी जगदम्बे। दरबार में बोले जय जयकार, तू सब करे उद्धार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, तू सब करे उद्धार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, ओ मेरे सारे कष्ट निवार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, मेरे सारे कष्ट निवार मेरी मायम्बे मेरी जगदम्बे, मुझे कर दो भव से पार मेरी मायम्बे
जगदम्बे मुझे कर दो भव से पार मेरी मारम मेरी जगदम्बे That's
दुखा वाला हाल मैया किसनू सुना
कपित्थजम्बूफलचारुर्भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं बन्धूककाञ्चनिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौच वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्रं मर्दामि केशमनिशं वपुराश्रयामि सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।
हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार माँ भगवती के चरणों में बैठकर बड़े आनंद के साथ हम सब ने मिलकर माँ की स्तुति की, पाठ किया, सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही एक प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे द्वारा की गई स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हमें अपने आशीर्वाद से कृतकृत्य करो। माँ भगवती की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संततिवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरिभूति करुणे दाने कनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव, मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशवस्तु मित्राणाम उदयस्तव। माँ भगवती आप शरणागत भक्तजनों की दीर्घायु करें, आप संतान से युक्त हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, यशस्वी हो, विद्वान बने और अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे। माँ भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो, और सदैव माँ भगवती आप सब भक्तजनों पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखे, बार बार जीवन में इस प्रकार के अवसर आप सबको प्रदान करे, आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय माँ भगवती की आरती की वेला है, सभी भक्तजन बड़े भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ की आरती गाएंगे, सब मिलकर के बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, I'm
माता वैष्णो राधा मजी सजुकाया देवों के
परम पूज्य पुजारी जी मां भक्ति की पूजा करके आप सब भक्तों के बीच में पधार चुके हैं। इस गुफा द्वार का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी, बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती की वंदना करेंगे, तब तक मां भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, बाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, चुड़िया वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, मामा काली जय माता दी, कप्पर वाली जय माता दी, शक्ति देंदे जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड़ सवारी जय माता दी, परे खजाने जय माता दी, सोलायाने जय माता दी, सरस्वती माँ हंस सवारी जय माता दी, विद्या दिंदे जय माता दी, ज्ञान दिंदे जय माता दी, भक्ति दिंदे जय माता दी, चोलिया पर दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, दल मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि,
जशो देहि दिशो जहि जशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन मा कश्चन दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ ॐ शान्तिः शान्तिः सभी भक्त शांतिपूर्वक बैठकर मां भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया चहल को सतगुरी जो चरना दा जान जय मां। शोरम पाद दर्शन हस्ते प्रसन्ना देवे
గంటాశూలాల సంగమే చక్రం ధనుసాయకం అచ్చాదిత్రీతాంగోరీ దేహ సమస్త ఆధార భూతా పూర్వా సరస్వతీ మనుపరే శుభాదిని తుమేవ మాతా సుమిదా తుమేవ తుమేవ బంధుచ కథా తుమేవ తుమేవ విద్యా ధనం తుమేవ తుమేవ సర్వం శాంతాకారం విశ్వాదారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం జ్యోతి విద్యా వందే విష్ణుమవరణం సర్వలోకైకనాథం అద్భుతం కేశవం రామనారాయణం శ్రీరామ హరే మురారే గోవింద గోపాల జ్ఞానం పదేహి శరణం పదేహి విద్యా పదేహి సత్యా జ్యోత బాలీ మాతా తేరీ సదా పంచపూర్ణా రాణి మాతా తేరీ సదా సర్వదా బలాచరణ వాళీ మాతా తేరీ సదా సారే సంసార విశ్రాంతి దేని వాళీ మాతా తేరీ సదా పునాచితా మాఫ్ కర్న వాళీ మాతా తేరీ సదా గుహా విచ నివాస్ కర్న వాళీ మాతా తేరీ సదా భయంకరా భీషాగ తేరీ సదా బోలో సచ్చే దర్బార్ కీ జై ధర్మ కీ ధర్మ కీ ధర్మ కీ అధర్మ కా అధర్మ కా అధర్మ కా ప్రాణియో మే ప్రాణియో మే ప్రాణియో మే విశ్వ కా విశ్వ కా విశ్వ కా భారత వరుష భారత వరుష భారత వరుష హర హర మహాదేవ బోలో బాబా శ్రీ కృష్ణ జయ సనాతన ధర్మ కీ జయ పూజ్య గురు మహారాజ పూజ్య మాతా కీ सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जकारा शरवलिदा।